कहानी की शुरुआत में हम मछुआरों की एक नाव को देखते हैं जो रात के अंधेरे में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी हम पानी में एक क्रीचर को देखते हैं। ये एक सी मॉन्स्टर होता है जो कि बोट के सामान को चुरा रहा होता है। तभी मछुआरे मॉन्स्टर को देख लेते हैं। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन मॉन्स्टर वहाँ से बच करके चला जाता है। अगले दिन हम समुद्र में मॉन्स्टर्स की एक कॉलोनी को देखते हैं जिसमें कि वो इंसानों की तरह ही रह रहे होते हैं। वो इंसानों की तरह ही खेती करते हैं। यहाँ पर हम लूका को देखते हैं जो कि मछलियों को चरा रहा होता है क्योंकि वो मछलियों को पालते हैं। अब लूका को एक अलार्म घड़ी मिलती है जिसे देख करके वो डर रहा होता है क्योंकि मॉन्स्टर को इंसानों की चीज़ों से दूर रहने को कहा जाता है। लेकिन लूका घड़ी को उठा लेता है। उसे वहाँ पर और भी सामान मिलता है। लूका कभी पानी से बाहर नहीं गया होता है इसलिए वो एक और पानी के बाहर जा करके बाहर की दुनिया देखना चाहता है। तभी लूका को पानी की सतह पर इंसानों की एक बोट दिखाई देती है जिसे देख करके लूका डर जाता है और वो तुरंत ही अपनी मछलियों को लेकर एक बड़े से पत्थर के नीचे छिप जाता है। इसके बाद में लूका की माँ उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। लूका सामान को वहीं पर छिपा देता है। लूका घर आकर के अपनी नानी से पूछता है क्या वो कभी इंसानों के गांव गई हैं। इस पर नानी कहती है वो कई बार बाहर जा चुकी हैं। लेकिन तभी लूका की मदर उसे डांटती है। वो लूका से कहती है तुम कभी पानी के बाहर जाने की सोचना भी मत क्योंकि बाहर इंसान ही राक्षस होते हैं जो हमारा शिकार करते हैं। खाना खाने के बाद लूका फिर से मछलियों को लेकर उसी जगह पर जाता है। तभी वहां पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है। इसका नाम एल्बर्टो होता है। ये वही मॉन्स्टर होता है जिसने कल रात बोट से सामान चुराया होता है। वो यहाँ पर सामान लेने आया होता है। वो लूका की लकड़ी भी उठा करके ले जाता है। लूका अपनी लकड़ी ले उसके पीछे पीछे जाता है और पानी की सतह के पास पहुंच जाता है। तभी एल्बर्टो उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। पानी से बाहर आते ही लूका एक इंसान बन जाता है। लूका बहुत ही घबरा जाता है। एल्बर्टो लूका से कहता है कि गहरी सांस लो, तुम यहाँ पर भी ठीक हो। लूका पहली बार धरती को देख रहा होता है। वो अपने चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन लूका के घर वालों ने उसे पानी से बाहर आने को मना किया होता है इसलिए वो तुरंत ही पानी में चला जाता है। घर आकर के लूका की माँ पूछती है तुम इतनी देर से कहाँ थे। तभी लूका की नानी कहती है कि उन्होंने उसे मशरूम लाने के लिए भेजा था। वो लूका को बचा लेती है। अब रात में लूका बहुत ही एक्साइटेड होता है। वो फिर से पानी के बाहर जाना चाहता है। अगले दिन लूका पत्थर से अपना स्टैचू बनाता है जिससे कि सबको लगे कि वो मछलियां चरा रहा है। अब लूका पानी से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो अब भी डर रहा होता है। तभी वहां पर एल्बर्टो आता है। वो लूका को पानी से बाहर निकाल लेता है। अब लूका को चलने में दिक्कत हो रही होती है। एल्बर्टो उसे गाइड करता है इससे कि लूका चलना सीख लेता है। इसके बाद में लूका एल्बर्टो से पूछता है क्या हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। जिस पर एल्बर्टो कहता है यहाँ पर सब कुछ ठीक है क्योंकि अभी तुम एक इंसान हो। वो लूका को अपने घर ले जाता है जो कि एक पुराना लाइट हाउस होता है। एल्बर्टो बताता है कि वो यहाँ पर अपने फादर के साथ रहता है लेकिन उसके फादर ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं इसलिए वो आज़ादी से यहाँ पर रहता है। एल्बर्टो ने घर में बहुत सारा इंसानों का सामान इकट्ठा कर रखा होता है। लूका दीवार पर वेस्पा की पेंटिंग देखता है। एल्बर्टो लूका को बताता है कि ये इंसान की बनाई सबसे बेहतरीन चीज़ है। इससे हम कहीं पर भी जा सकते हैं और दुनिया घूम सकते हैं। अब लूका को वेस्पा बहुत ही अच्छी लगती है। वो वेस्पा के सपने देखने लगता है। तभी लूका कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही सामान है, क्यों ना हम दोनों मिलकर के वेस्पा बनाएं। इसके बाद में वो दोनों एक टूटी फूटी वेस्पा बना लेते हैं। इसके बाद में वो दोनों उस वेस्पा का टेस्ट करते हैं। तभी वेस्पा अचानक से टूट जाती है जिससे कि एल्बर्टो हवा में उड़ता हुआ पानी में गिरता है लेकिन इससे एल्बर्टो को बहुत मजा आता है। अब दोनों फिर से वेस्पा को बनाते हैं। इस बार लूका भी राइड करना चाहता है लेकिन वो डर रहा होता है। तब एल्बर्टो कहता है कि तुम्हें डर को छोड़कर जिंदगी जीनी चाहिए इससे कि लूका को जोश आ जाता है। इसके बाद में वो दोनों राइड करते हैं लेकिन फिर से वेस्पा टूट जाती है और दोनों पानी में जाकर गिरते हैं लेकिन इससे दोनों को बहुत मजा आता है। दोनों अब काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं लूका के पेरेंट्स उसकी स्टैचू को देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि लूका रोज छिप करके पानी से बाहर जाता है। वहीं एल्बर्टो लूका और एक साथ लेटे होते हैं। लूका तारों को देख करके एल्बर्टो से कहता है कि वो चमकती चीज क्या है। जिस पर एल्बर्टो बताता है कि वो तैरती हुई मछलियां हैं और वो सबसे बड़ी मछली है। तभी लूका को याद आता है कि उसे घर जाना है। उसे काफी देर हो चुकी होती है। घर पहुंच करके लूका के पेरेंट्स उस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। लूका की माँ कहती है तुम्हें हमने बाहर जाने से मना किया था लेकिन लूका उनसे कहता है कि बाहर की दुनिया बहुत ही अच्छी है, वहाँ पर हमें कोई खतरा नहीं है। तभी लूका के फादर कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे ताऊ जी के साथ उनके घर भेज रहे हैं, तुम वहाँ पर 2 महीने रहोगे। लूका इसे डर जाता है क्योंकि उसके ताऊ का घर समुद्र की गहराइयों में होता है जहाँ तक सूरज की रोशनी तक नहीं जाती। इसे लूका
लूका डरने लगता है। तभी लूका की माँ कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। लूका अब उदास हो जाता है। अगली सुबह वो अल्बर्टो के पास आता है और वो सारी बात बता देता है। इसके बाद में अल्बर्टो कहता है, क्यों ना हम दोनों इंसानों के गांव चले जाएं, वहां पर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ पाएंगे और वहां पर हमें असली वेस्पा भी मिल जाएगी। लूका इसके लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों पोंडोरस गाँव की तरफ निकल जाते हैं और छिपते हुए विलेज में इंटर कर जाते हैं। लूका इतने सारे इंसानों को देख करके डरने लगता है और वो अल्बर्टो को वापस चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एरकोले आ जाता है। उसके पास में सुंदर सी वेस्पा होती है। वो दोनों वेस्पा को देखते रह जाते हैं। एरकोले बहुत ही शरारती बालक होता है। वो लूका और अल्बर्टो के पास आता है। लूका उससे कहता है कि तुम्हें ये वेस्पा कहाँ से मिली, जिस पर एरकोले कहता है कि उसने लगातार 5 साल पोर्टोरस कप जीता है और उसी से उसने वेस्पा खरीदी है। तभी एरकोले लूका और अल्बर्ट से कहता है, तुम दोनों से बदबू आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें धो देता हूँ। वो दोनों को पानी में डालने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती है और वो लूका और अल्बर्टो को बचा लेती है। तभी जूलिया एरकोले से कहती है, तुम बहुत घमंडी हो और मैं तुम्हें इस रेस में हरा करके तुम्हारा घमंड तोड़ दूंगी। जिस पर एरकोले हंसने लगता है और जूलिया से कहता है कि तुम सिर्फ सपने में ही पोर्टोरस कप जीत सकती हो। इसके बाद में जूलिया लूका और अल्बर्टो को अपने साथ ले जाती है और घर घर जा करके मछलियाँ बेचने लगती है। तभी लूका जूलिया से पूछता है कि ये पोर्टोरस कप क्या है। इसके बाद में जूलिया बताते हैं, ये एक रेस है जिसमें कि 3 टास्क होते हैं। पहले टास्क में स्विमिंग करनी होती है और दूसरे में नूडल खाने होते हैं। इसके बाद में साइकिल से रेस करनी होती है। जो रेस में फर्स्ट आता है उसे पोर्टोरस कप मिलता है। लूका कहता है कि फिर हमें वेस्पा कहाँ से मिलेगी, जिस पर जूलिया कहती है, तुम जीते हुए पैसों से पुरानी वेस्पा तो ले ही सकते हो। जिसके बाद में अल्बर्टो कहता है, फिर तो ये रेस हम ही जीतेंगे, जिस पर जूलिया कहती है, इतने सालों से मैं एक बार भी रेस नहीं जीती तो तुम कैसे जीतोगे। इस पर लूका कहता है, क्यों ना हम तीनों मिलकर एक फर्टीचर ग्रुप बनाए जिसमें कि हम तीनों अलग अलग टास्क करेंगे। जिस पर जूलिया कहती है, तुम्हें कुछ आता है। जिसके बाद में लूका साइकिल चला करके दिखाने लगता है, लेकिन वो बार बार गिर रहा होता है। इसके बाद में जूलिया उसे गाइड करती है, जिससे कि उसे थोड़ा बहुत चलाना आ जाता है। इसके बाद में अल्बर्टो कहता है कि मैं खाने का टास्क पूरा कर लूंगा। जूलिया ये सुनकर के बहुत खुश होती है। इसके बाद में वो तीनों मिलकर के फर्टीचर ग्रुप बना लेते हैं। तभी जूलिया कहती है, अब एक और प्रॉब्लम है, हमें एंट्री फीस का जुगाड़ करना होगा। इसलिए जूलिया लूका और अल्बर्टो को लेकर के अपने घर आ जाती है, जहाँ पर हम जूलिया के फादर मैसियो को देखते हैं, जिन्हें देख करके लूका और अल्बर्टो डर जाते हैं। उनके घर में बहुत ही बड़े बड़े भाले होते हैं। मैसियो कहता है कि वो एक और मॉन्स्टर का शिकार करना चाहता है। इसके बाद में मैसियो जूलिया से पूछता है कि ये दोनों कौन है, जिस पर जूलिया झूठ बोलती है। वो बताती है कि ये दोनों मेरे स्कूल के दोस्त और यहाँ पर रेस के लिए आए हैं। जूलिया अपने फादर से पैसे मांगते, जिस पर मैसियो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मछलियाँ नहीं पकड़ पा रहा है। इसके बाद में लूका और अल्बर्टो कहते हैं कि वो मछलियाँ पकड़ने में उसकी मदद करेंगे। इसके बाद में जूलिया लूका और अल्बर्टो को अपने ट्री हाउस में रहने के लिए कह देती है और वो खुद अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह बारिश के पानी से लूका और अल्बर्टो मॉन्स्टर बन जाते हैं, लेकिन किसी के देखने से पहले वो खुद को पोंछ लेते हैं। इसके बाद में जूलिया मछली बेचने के लिए चली जाती है। लूका और अल्बर्टो मैसियो के साथ फिशिंग के लिए आ जाते हैं, लेकिन उन्हें मछलियाँ नहीं मिल रही होती। इस पर लूका कहता है कि धूप में मछलियाँ दूसरी तरफ चली जाती हैं। लूका की वजह से वो आज बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। वहीं लूका के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए विलेज में आ जाते हैं। वो सब बच्चों को पानी में डाल करके लूका की पहचान कर रहे होते हैं। तभी लूका अपने पेरेंट्स को देख लेता है। वो अल्बर्टो को ये बात बता देता है, लेकिन अल्बर्टो कहता है कि ये तुम्हारा भ्रम है, वो इतनी दूर नहीं आएंगे। तभी मैसियो अल्बर्टो को अपनी मदद के लिए ले जाता है। इसके बाद में जूलिया लूका के पास आती है। वो लूका से कहती है कि वो जेनेवा में अपनी मॉम के साथ रहती और वो वैकेशन पर गाँव में आती है, लेकिन यहाँ के लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं, इसलिए मैं रेस जीत करके अपना नाम करना चाहती हूँ। तभी लूका तारों को देख करके कहता है कि आज मछलियाँ बहुत ही ज्यादा चमक रही हैं, जिस पर जूलिया उस पर हंसने लगती है। जूलिया कहती है कि वो मछलियाँ नहीं है, वो तारे हैं। इसके बाद में जूलिया लूका को टेलीस्कोप से तारों और ग्रहों को दिखाती है। वो लूका को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताती है। वो बताती है कि हम धरती पर रहते हैं। लूका को इस सब में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होता है। तभी जूलिया बताती है कि उसने ये सब स्कूल में सीखा है। अब लूका का सपना होता है कि वो एक बार स्कूल जाकर के सब कुछ सीखे। तभी वहाँ पर अल्बर्टो आ जाता है। वो लूका और जूलिया को साथ घुलता मिलता देख करके अपसेट होता है, क्योंकि वो लूका को दूसरों के साथ घुलता मिलता नहीं देख सकता। इसके बाद में अल्बर्टो लूका को अपने साथ पुरानी वेस्पा दिखाने ले जाता है। वो वेस्पा को देख करके कहता है कि ये हमारा सपना है जो कि हम दोनों का है, लेकिन लूका कहता है कि वो एक बार स्कूल जाना चाहता है। जिस पर अल्बर्टो कहता है कि स्कूल हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम मॉन्स्टर हैं, अगर तुम पर किसी ने पानी डाल दी और तुम्हारी
मच्छी सबके सामने आ गई तो तुम क्या करोगे। तभी यहाँ पर इरकोले अपने साथियों के साथ आता है और वो इन्हें परेशान करने लगता है, लेकिन लूका और एल्बर्टो उससे बच करके आ जाते हैं। अगले दिन जूलिया एंट्री फीस भरने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर इरकोले आ जाता है और वो उन्हें परेशान करने लगता है। वो लूका के पैसे भी ले लेता है। तभी लूका इरकोले की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम एक कैटफिश की तरह हो जिसकी मौज होती है। ये सुनकर के सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद में इरकोले लूका को पैसे वापस करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें रेस में देख लूंगा। इसके बाद में लूका साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करने लगता है। एल्बर्टो खाना खाने की तैयारी करता है। जब जूलिया स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है तभी वहाँ पर इरकोले उन्हें परेशान करने आ जाता है, जिससे कि एल्बर्टो पानी में गिर जाता है और वो मॉन्स्टर बन जाता है। तभी जूलिया इरकोले से लड़ने लगती है। इसी बीच में एल्बर्टो बोट पर आ जाता है। लूका उसे जल्दी से पहुँच देता है और उनकी सच्चाई किसी के सामने नहीं आ पाती। वो वापस आ जाते हैं। अब एक दिन साइकिल चलाते हुए लूका के पेरेंट्स उसे देख लेते हैं, लेकिन लूका साइकिल नहीं रोकता है। वो विलेज के पहाड़ की चोटी पर आ जाता है। वहाँ पर जूलिया लूका को साइकिल चलाने के बारे में बता रही होती है, लेकिन एल्बर्टो को यह अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद में एल्बर्टो लूका को साइकिल चलाना सिखाने लगता है, लेकिन एल्बर्टो साइकिल को नहीं संभाल पाता और वो दोनों पानी में जाकर गिरते हैं और मॉन्स्टर बन जाते हैं। जल्दी से वो दोनों किनारे पर आ जाते हैं। लूका एल्बर्टो से कहता है कि तुम्हें खुद साइकिल चलाना नहीं आता तो तुम मुझे कैसे सिखाओगे। लूका कहता है कि मैं जानता हूं तुम मुझे जूलिया से दूर करने के लिए ये सब कर रहे हो। तभी वहां पर जूलिया आ जाती है। तभी लूका जूलिया से कहता है क्या वो उसके साथ स्कूल आ सकता है, जिस पर जूलिया खुश होकर कहती है हां क्यों नहीं, वो स्कूल आ सकता है। इसके बाद में एल्बर्टो को बुरा लगता है। वो अपनी सच्चाई बताने के लिए पानी में कूद जाता है और वो मॉन्स्टर बन जाता है। जूलिया मॉन्स्टर को देख करके डरने लगती है। तभी लूका ऐसे दिखाता है कि वो एल्बर्टो को नहीं जानता है। वो जूलिया से कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है। इससे एल्बर्टो को बुरा लगता है, वो पानी में वापस चला जाता है। घर आकर के जूलिया अपने फादर को बताती है कि एल्बर्टो कहीं चला गया, जिस पर मैसिमो उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है, क्योंकि मैसिमो एल्बर्टो को पसंद करने लगा था क्योंकि एल्बर्टो उसकी मदद करता था। अब लूका जूलिया से कहता है कि ये रेस हम दोनों ही करेंगे। तभी जूलिया लूका पर पानी डालकर देखती है, वो समझ जाती है कि वो भी एक मॉन्स्टर है। वो लूका से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो लोगों को पता चल गया तो वो तुम्हें मार देंगे। लूका ये सुनकर के उदास हो जाता है, इसलिए वो वापस एल्बर्टो के पास जाता है। तभी एल्बर्टो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, जिसके बाद में लूका उससे माफ़ी मांगता है। तभी लूका दीवार पर लाइंस को देखता है। वो एल्बर्टो से लाइंस के बारे में पूछता है। एल्बर्टो बताता है कि जब से उसके फादर उसे छोड़कर गए हैं तब से लाइन खींच रहा है, लेकिन वो वापस नहीं आए और वो अकेला ही यहाँ पर रहता है, इसलिए मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया। एल्बर्टो कहता है कि तुम अच्छे लड़के हो और मैं आवारा हूँ, इसलिए हम दोनों को दोस्त नहीं होना चाहिए। लेकिन अब लूका कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रेस करूंगा और वो वेस्पा लेकर आऊंगा। ये कहकर के लूका वहां से चला जाता है। अगले दिन रेस में हम लूका को देखते हैं जो कि अपना नाम अलग करा लेता है। वहां पर उसके पेरेंट्स भी होते हैं। इसके बाद में लूका स्विमिंग सूट पहन लेता है जिससे कि किसी को उसकी सच्चाई पता ना चले। अब पहले टास्क में जूलिया सबसे आगे स्विमिंग करके वापस आ जाती है और नूडल खाने लगती है। लूका भी वापस आकर के नूडल खाने लगता है। जूलिया सबसे पहले साइकिल लेकर के पहाड़ की तरफ निकल जाती है। इरकोले भी चीटिंग करके नूडल अपने दोस्त को खिला देता है और वो साइकिल लेकर के निकल जाता है। लूका भी साइकिल लेकर के सबसे आगे आ जाता है। वो पहाड़ी से वापस आ रहा होता है, लेकिन तभी बारिश होने लगती है जिससे कि उसे रुकना पड़ता है। इरकोले लूका से कहता है क्या तुम डर गए। तभी वहां पर एल्बर्टो छाता लेकर के लूका की मदद के लिए आता है, लेकिन इरकोले एल्बर्टो को साइकिल से टक्कर मारता है। अब बारिश के पानी से एल्बर्टो मॉन्स्टर बन जाता है, इससे सब लोग डरने लगते हैं। तभी इरकोले एल्बर्टो को जाल में फंसा लेता है। लूका को ये देख करके बहुत गुस्सा आता है, वो भी पानी में आ जाता है। इसके बाद में लूका एल्बर्टो को साइकिल पर बैठा करके बड़ी तेजी से ही जाने लगता है, लेकिन इरकोले उसे मारने के लिए भाला लेकर पीछे पड़ जाता है। लेकिन जूलिया इरकोले को रोकने के लिए उसकी साइकिल को हिट करती है, जिससे कि वो भी घायल हो जाती है। ये देख करके लूका और एल्बर्टो जूलिया की मदद के लिए आते हैं। तभी सभी शिकारी मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए आगे आने लगते हैं, लेकिन जूलिया के फादर सबको रोकते हैं। वो कहते हैं कि ये बुरे मॉन्स्टर नहीं है। मैसिमो कहते हैं कि ये लूका और एल्बर्टो हैं और ये दोनों रेस जीत चुके हैं। ये देखकर के लूका के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। इसके बाद में लूका और एल्बर्टो जीते हुए पैसों से वेस्पा ले आते हैं। अब सब मॉन्स्टर इंसानों के साथ में रह रहे होते हैं, अब वो दोस्त बन चुके होते हैं। तभी जूलिया कहती है कि उसे कल शहर जाना है। तभी जूलिया लूका से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी सारी बुक दे दूंगी। अब एल्बर्टो को एहसास होता है कि दोस्त के सपने से बढ़कर के उसके लिए कुछ नहीं है। अगले दिन जूलिया ट्रेन से जा रही होती है, तभी वहां पर एल्बर्टो आता है।
वो लूका से कहता है कि मैंने वेस्पा को बेच दिया, अब तुम भी स्कूल जाओगे। लूका के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा रहने का इंतजाम कर दिया है, तुम जूलिया और उसकी माँ के साथ रहोगे, लेकिन किसी को अपनी सच्चाई मत बताना। लूका एल्बर्टो को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन एल्बर्टो कहता है कि वो उसके साथ में नहीं आ सकता क्योंकि अंकल मैसियो को उसकी मदद की जरूरत है। एल्बर्टो याद के तौर पर लूका को पेंटिंग देता है। इसके बाद में लूका ट्रेन में बैठ कर के शहर की तरफ चला जाता है। वो अपनी मॉन्स्टर कॉलोनी का पहला मॉन्स्टर होता है जो स्कूल जा रहा होता है। इससे लूका बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ में इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।